साथियों नमस्कार। जिन लोगों को इंतज़ार था कि जिनमें ज़्यादा भीड़ थी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत कट ऑफ को लेकर के, तो साथियों वो इंतज़ार आज एक सब्जेक्ट का आ गया है। आरपीएससी के द्वारा 4 मई 2023 पॉलिटिकल साइंस, इसमें बहुत काफ़ी भीड़ थी। लोगों को लग रहा था जो सेकंड ग्रेड में थे, जो थर्ड ग्रेड वाले थे और फर्स्ट ग्रेड वाले थे, कि जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान और हिस्ट्री है, इससे और एक जो भूगोल है, इससे ये पता चल जाता है कट ऑफ का कि कहाँ रहती है, कितनी रहती है, इससे पूरा अनुमान लग जाता है। आज साथियों बहुत ही अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है कट ऑफ को देख करके। आप अपना रोल नंबर इसमें ज़रूर लिस्ट में देखिएगा, कितने रोल नंबर्स हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम्स दी। ये भी आज काफ़ी पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि इसमें भीड़ ज़्यादा थी, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। साथियों पेपर दो हुए थे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, 175 क्वेश्चन पहला पेपर और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का 150 क्वेश्चन। अब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर के 450 का पूर्णांक हो जाता है। अब यहाँ पर 450 में से कितने मार्क्स आए, कितनी कट ऑफ रही थी, ये आप देख सकते हो। जर्नल की अगर बात की जाती है 209, अगर 209 एक परसेंटेज में फैलाया जाता है तो लगभग 46% का आंकड़ा निकल रहा है, 46 का आंकड़ा निकल रहा है कि 40% जर्नल की कट ऑफ रही है। और WE 193 और DB 190, यहाँ WDNA मतलब नॉट क्वालिफाई, मतलब जो गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है 40% का, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। EWS की बात की जाती है, यहाँ पर साथियों आप देख सकते हो EWS और जनरल के अंतर्गत कितना अंतर आया है। EWS 209 और जनरल 209 सॉरी और EWS 184, मतलब 16 और 9, लगभग 25 मार्क्स का अंतर देखने को मिला है। अब आपको सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिलेगा और थर्ड ग्रेड में भी देखने को मिलेगा, ये तो पक्का है, इतना अंतर तो देखने को मिलेगा जहां तक हो सकता है। आगे बात की जाती है EWS में, और यहां पर WD और DB में कोई नहीं मिला था, जर्नल और WE 184। और SC की बात की जाती है, SC की 159 कट ऑफ रही है और यहाँ पर WD और DB में कोई नहीं मिला है। अब 159 जो इनका क्राइटेरिया कर रखा था गवर्नमेंट ने अलाउ कि इतने प्रतिशत लाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर लगभग 36% अगर परसेंटेज निकाला जाता है तो 36 के समथिंग यहाँ पर परसेंटेज निकल रही होगी, तो इनका ये रेशो निकला था। SC और ST ये भी यही 164.55, यहाँ भी NA कोई नहीं मिला था जो रूल्स कर रखा था। OBC की देख सकते हो आप, आज OBC और MBC की कट ऑफ और OBC में, मतलब OBC की जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आज वहाँ उल्टा सिस्टम हो चुका है कि MBC की कट ऑफ ज़्यादा गई है, 188 और OBC की 181। 181 का मतलब है लगभग 40% कट ऑफ रही है, 40% कट ऑफ रही है। और यहाँ आप देख सकते हो MBC में 7 अंक अधिक रही है OBC से। तो साथियों अगर स्टूडेंट जहाँ ज़्यादा मिलते हैं, जितने अंक आते हैं, तो वही हिसाब से कट ऑफ निकलती है, तो हो सकता है कि अब की बार कट ऑफ में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, और मेल और फीमेल में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, चाहे थर्ड ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। हॉरिजेंटल की बात की जाती है यहाँ पर, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, तो एक्स सर्विसमैन 144, जो गवर्नमेंट ने रूल कर रखा होगा एक्स सर्विसमैन वालों को 144, और BLB की यहाँ एलरेडी अवेलेबल, DH NA है ही नहीं, यहाँ पर ये देख सकते हो 166। और आगे अगर बात की जाती है, यहाँ पर साथियों कोई भी कैंडिडेट नहीं था, इनके जो रोल नंबर, मतलब दो कैंडिडेटों के रिजल्ट रोक लिए गए हैं, आप देख सकते हो दो कैंडिडेटों के रोल नंबर लिखे हुए हैं, ये रिजल्ट रोक लिया गया है, और क्या है इसमें, ये ही है, और सचिव आशुतोष गुप्ता जी NA जो नॉट क्वालिफाई नॉट अवेलेबल, जो मिनिमम क्वालिफाई थी गवर्नमेंट ने रूल कर रखा था, उसके दायरे में नहीं है, इसका ये अर्थ है। धन्यवाद साथियों, नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई रिंकू 95।